और अगर आपने ऐसा किया तो भाई कितने ही बाबाओं तांत्रिक ज्योतिषियों के पास चले जाओ, रिलेशनशिप नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस ऑफिशियल चैनल में रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप बहुत सारे केसेस आते हैं, रिलेशनशिप बनते ही नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने मुश्किल हो जाते हैं और जो बन जाते हैं वो टिकते नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप लंबी हो सकती है, ज्यादा ब्रेकअप ना हो। लेकिन उससे पहले एक दो लोगों ने काफी डीपली बार बार एक सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा है कि इनके सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, जैसे लोगों के फेस जो है ना वो एक जैसे नहीं होते, सबका फेस अलग है, तो माइंड तो सबके 200% से अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। फेस तो फिर भी कुछ सिमिलर हो सकते हैं, माइंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर मैं एक माइंड को लेके, एक स्पेसिफिक केस को लेके आपको सोल्यूशन दूं, वो जरूरी नहीं है कि आपके भी माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए बेटर ये है, यू कैन ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम और आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है। हर एक आदमी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहता है कहीं और बाहर पब्लिक पे, अदरवाइज मैं फेसबुक वगैरह पे डाल सकता था उसे, तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी लोग नहीं चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें और यू कैन कॉल 1-to-1 बेसिस पे, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, कोई ऐसी कॉस्टली नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो यू कैन कॉल एंड यू कैन डिस्कस। तो चलते हैं ये समझने के लिए रिलेशनशिप ब्रेकअप क्या होता है। तो रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, नीड, गोल्स और विजन, और उसको जो बांध के रखते हैं टाई, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। पर अभी हमें यह समझना है ब्रेक क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि ये ब्रेक हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं जर्नी पे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें और इस तरह के वीडियो हम आपसे शेयर कर पाए। पहला, एक आजकल गाना चल रहा है कि मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गलती किसी की भी हो, ठीक है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। एक हरियाणा की फेमस कहावत है जिसको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा हिंदी में, कि झगड़ा हो जाता ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हरियाणा में जो कहते हैं भाई पंचायत की बात सर आंखों पे, पर पितनाला वहीं रहेगा। मतलब पितनाला होता है जो बेसिकली हरियाणवी में बोलते हैं जो रेन वाटर को निकालने के लिए छत पे पाइप लगा होता है। लोग कहते हैं ये पाइप हटा ले, लोगों को तकलीफ हो रही है। तो वो आदमी कहता है नहीं, पंचायत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ बट ये रेन वाटर पाइप नहीं हटाऊंगा। तो ऐसे ही हम जिंदगी में कभी कभी इतने एडामेंट हो जाते हैं कि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हम गलत हो सकते हैं, और फिर हम सॉरी बोलते हैं। क्या होगा, डिफेंसेस क्रिएट हो जाएंगे और फिर ब्रेकअप की तरफ आप चल दोगे। तो पहला पॉइंट, अगर कोई जेन्युइन चीज है एक्सेप्ट कर लीजिए। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, ओवर इमोशनल। सेकंड पॉइंट ये है ओवर इमोशनल। ओवर इमोशनल मींस क्या हुआ कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, इतना बड़ा बैलून बना लेते हैं कि जब वो बस्ट होता है तो पूरी रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर देता है। और बस्ट कैसे होता है उसको समझिए। क्या ईमानदारी से अपना एनालिसिस करिए आप सब लोग बैठ के, क्या आपने कभी अपने माँ बाप के साथ झगड़ा नहीं किया किसी भी बात को लेकर? क्या आपने आपके भाई बहनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं हुए हुए होंगे? और मान लो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कुछ बात बोल देती है आपके पेरेंट्स को लेके, या आपके बॉयफ्रेंड आपके सिबलिंग्स को लेके, आपकी सिस्टर को लेके, बस तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे भाई आप भी तो बोलते हो अपने पेरेंट्स को, इसका मतलब कि आप उनकी इज्जत नहीं करते? उसने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आपको अच्छा लगे आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो उसे। लेकिन उसके ऊपर इतना सारा बवाल खड़ा नहीं करना चाहिए कि खट से ब्रेकअप हो जाए। तो उसको उतना ही नॉर्मल मानना चाहिए कि जैसे आप करते हो ऐसे भी दिया, ये भी तो ह्यूमन है, दूसरा पर्सन भी तो ह्यूमन है, रोबोट थोड़े ही। तो ओवर जो है इमोशनल नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, लो सेल्फ एस्टीम। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो कभी कम नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो थेरेपी लेते हैं वो रोज जाके उसके सॉरी 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 मांगना शुरू कर देते हैं,
उसके पांव तक पकड़ने को तैयार है अपने काउंटर पार्ट के, लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, पर मैं आज आपको बता रहा हूं, कहीं लिख लीजिएगा। कहते हैं ना सफेद कागज पे काली कलम से लिख लीजिएगा, वो रिलेशनशिप पक्का टूटेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल बिहेवियर कर रहे हो, जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है उस पर आप बातें नहीं करना चाहते, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस ही नहीं बनाना चाहते उस बिहेवियर को लेके, क्योंकि हर एक आदमी का बिहेवियर अलग है। मैंने जब शुरू में बताया था क्वेश्चन आंसर देने के लिए कि हर एक आदमी का माइंड अलग है तो बिहेवियर अलग है। आप क्या कह रहे हो, नहीं बिहेवियर की बात मत करो, मैं सॉरी मांग लेता हूं, मामला खत्म। फिर अगले दिन झगड़ा होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या वो ब्लेम लगेंगे एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा कि पता नहीं कहां की बात कहां पहुंच जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, बस इना अब नहीं होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्लीन कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज शुड बी वेरी क्लीन। हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो भी उसमें ना जल्दी जल्दी मिट्टी हो, कहते हैं ना मिट्टी पा मिट्टी पा, मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको साफ करके मिट्टी नहीं डालते, तो उसके अंदर जो खर पतवार रह जाती है वो फिर पैदा हो जाती है। खर पतवार समझते हैं ना, दीज आर ऑल द जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो पौधे फिर खड़े हो जाते हैं। और फिर कब से शुरू होंगे, जब से आप उस रिलेशनशिप में हो। जल्दी मत करिए, चीजों को बिल्कुल समझ के क्लीन कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे आए तो पीछे की सारी चीजें साफ होनी चाहिए। पीछे की चीजों पे झगड़ा नहीं होना चाहिए दोबारा से। और अगर आपने ऐसा किया तो भाई कितने ही बाबाओं तांत्रिक जोशियों के पास चले जाओ, रिलेशनशिप नहीं बचेगा, क्योंकि ये माइंड ही आपका क्रिएट कर रहा है कि रिलेशनशिप ब्रेक। अगले चलते हैं अगले पॉइंट पे, ओवर पोजेसिव। हम कभी कभी क्या मैंने टाइम हम ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, कभी कभी हम दुनिया को दिखाने के लिए भी ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। देख मैं अभी फोन करता हूं, अगर लड़का है तो बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड अभी फोन उठाएगी, लड़की है तो बोलेगी वो अभी फोन उठाएगा, वो बिजी भी हो सकता है, फिर उस पर लड़ाई हो जाएगी। तुमने मेरा व्हाट्सएप देख लिया होगा, तू ब्लू टिक आ गया आजकल, वो ब्लू टिक का और फैशन शुरू हो गया कि ब्लू टिक आ गया। अरे भाई वो सब ठीक है, वो आ गया है, और आपका एंगर बढ़ता जाएगा, और फिर 40, 50, 100, 200, 500 कितनी कॉल करोगे पता नहीं, खाली बैठे हुए बस कॉल कर ही जा रहे हो। अरे भाई जिस आदमी ने उठाना है वो पहली या दूसरी बार में उठा लेगा आपकी कॉल, जिसने नहीं उठाना है उसको 200 कर लो नहीं उठाएगा। अब उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन हो सकती है, वो गुस्से में हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अगर गुस्से में है तो उसे पूछ लो भाई तू कब नॉर्मल होगा तब बात कर लेंगे, और अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वेट करो, ही विल और शी विल कॉल यू बैक। बट हम क्या करते हैं, नहीं अभी 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 बात करनी है बस, फिर वो अभी के चक्कर में कभी भी वो रिलेशनशिप रहता है, अभी के चक्कर में कभी नहीं रहता। तो ये जो पांच पॉइंट हैं, ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपने इन पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी पटरी पे दौड़ेगी, ये तो पक्का है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। चैनल को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।